हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और आप सबको स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मेरे पास है एक छोटी सिलाई मशीन जिसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या कुछ है, कैसे काम कर रही है। चलिए इसे ओपन करते हैं। तो इसको मैंने कट तो पहले कर लिया था, इसको निकालते हैं बाहर। ये एक मेन सिलाई मशीन, इसके यार मैं बाइक भी कर रहा हूँ, किसी को तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है यार, कमेंट करके बता देना। इसको मुझे वापस रिटर्न करना था, उस वजह से मैं इसको यहीं पर निम्बी में ही अनबॉक्स कर रहा हूँ। इसके साथ दोस्तों हमें एक पाइप सी बुक मिली है और एक पता नहीं ये क्या है, बुक सा पता नहीं ये क्या पे अटैच होता है, और एक हमारी मशीन ये मिली हमें, इसके इस मशीन के साथ मिले हमें पता नहीं क्या क्या। यहाँ पे देखिए एक गेरस धागा है जिसको इससे अंदर से शायद डालना पड़ता है इसके अंदर से, और वापस यहाँ से होकर शायद यहाँ पर नीडल में आता होगा, और इसको ऐसे प्रेस करने पे चलती है। यहाँ पे इस के बीच में कपड़ा फंसाना पड़ता है। तो यार ये दोस्तों ऐसे तो है तो यूजलेस ही, मैंने इसको ट्राई किया था एक बार, धागा तोड़ रहा था बार बार, पता नहीं मेरी इस पर्टिकुलर मशीन में प्रॉब्लम थी या सभी मशीनों में प्रॉब्लम है उसका तो मुझे पता नहीं, पर मेरी इस मशीन में तो प्रॉब्लम थी। इसको मैंने दो तीन बार ट्राई किया था पर ये नहीं चला, इस धागा तोड़ रहा था बार बार। तो आप इस प्रकार की मशीनों से बच के रहना, ये कुछ काम के नहीं है, ऐसे ही दिखावे के लिए है बस, या अगर कोई नहीं करती। इसकी क्वालिटी भी ऐसी अच्छी क्वालिटी है। इसको मैं एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या कुछ है। दोस्तों इसको ऐसे खींचता ही है बाहर आ गया, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये निडल धागा लगा हुआ है, और ये देखिए पूरी मशीन अंदर से इस प्रकार की है। एक दो स्प्रिंग वगैरह है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों मजा आ दीजिए, जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक से करना, वीडियो पर देने लिए आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।